बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डेयर स्टूडेंट्स, ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। बेटा जी, पार्ट सेकंड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 23 जो है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारे पास यही चैप्टर का नेम बायोटेक्नोलॉजी है और इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आने हैं, तो इस वजह से हम इस चैप्टर को MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, राइट इस एडवांटेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करें और इसके डिसएडवांटेज हैं ये बताएं। बायोटेक्नोलॉजी बेटा, फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप लोग ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिज्म, देयर सिस्टम एंड देयर प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये आप थोड़ी सी इसमें एडिशन कर देंगे कि हम क्या करते हैं कि इस बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर जानदारों को, उनके सिस्टम्स को, उनके प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं और स्टडी करते हुए उनसे हम बहुत सारी यूज़फुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और उन सब्सटेंसेस को हम इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। देयर आर दोज हु आर अपोज टू मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स फॉर मैनी रीज़न। कुछ ऐसे पर्सनस भी हैं जो कि जीन्स की मैनिपुलेशन या जीन्स के ट्रांसफ़र के लिए इसकी मुखालफत करते हैं। डिसएडवांटेज में हम बताते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ऑल्दो देयर हैव बीन नो इल इफ़ेक्ट्स एज येट। अभी तक बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके कोई बीमारी प्रोड्यूस करने के जो इफ़ेक्ट जो हैं वो सामने नहीं आए। दे फेयर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड इकोलॉजिकल रिपरकशन इन द फ्यूचर। यानी वो कहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसकी वजह से माहौलियाती ख़राबियाँ जो हैं वो पैदा हो सकती हैं और हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि सेहत की बीमारियाँ भी इस वजह से प्रोड्यूस हो सकती हों। तो इस वजह से बहुत सारे पर्सन जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी फेवर में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास से शॉर्ट क्वेश्चन है जी, दैट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिकम्बिनेंट DNA एंड कम्प्लीमेंट्री DNA। रिकम्बिनेंट, देखिए बेटा नाम से जाहिर है, वो वाला DNA जो दो डिफरेंट सोर्सेज से मिलकर बना हुआ हो, उस DNA को हम नाम देते हैं रिकम्बिनेंट DNA का। और दूसरा है कम्प्लीमेंट्री DNA। कम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं द DNA विच इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मैसेंजर RNA बाय प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बेटा चैप्टर नंबर 20 में हमने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा, जिसके अंदर हम DNA से मैसेंजर RNA को प्रोड्यूस करते हैं। अगर इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर दें तो मैसेंजर RNA से जब हम DNA को प्रोड्यूस करेंगे तो उस DNA को हम नाम देते हैं कम्प्लीमेंट्री DNA का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रिकम्बिनेंट DNA एंड कम्प्लीमेंट्री DNA। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू गेट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्लेन टू मेथड्स ओनली। वो कहता है कि किस तरह जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जीन। अब हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जीन कौन कौन से हो सकते हैं? वो वाले जीन्स जो डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हों, जो जर्म्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हों, वो वाले जीन्स जिनकी वजह से बहुत सारी यील्ड प्रोड्यूस होती हो, और वो वाले जीन्स जो हैं जो कि बीमारी के खिलाफ लड़ते हों, फाइट करते हों, उन जीन्स को हम नाम देते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट का। तो तीन तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं जिसके जरिए हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हासिल कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि कोई एक सेल ले, उस सेल का न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम से आप जीन जो है उसको क्या कर लें, सेपरेट कर लें। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि लेबॉरेटरी के अंदर हम इसको प्रोड्यूस करें केमिकली, ये उन जीन्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है जिनकी लेंथ जो है वो बहुत कम होती है। और तीसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी मैसेंजर RNA से भी हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले मेथड में हम क्या करते हैं, जीन्स फार फ्रॉम क्रोमोसोम कैन बी आइसोलेटेड बाय क्रोमोसोम ऑन फ्लैंकिंग साइट ऑफ जीन यूजिंग स्पेशल एंजाइम। फ्लैंकिंग साइट्स मतलब वो स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट पड़ा होता है, उन साइट्स को हम कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और उन एंजाइम्स को नाम देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आगे भी हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। उसके बाद दूसरा जो मेथड है, कैसे हम हासिल करते हैं, स्मॉल जीन्स कैन आल्सो बी सिंथेसाइज इन द लेबॉरेटरी। लेबॉरेटरी के अंदर जो छोटे छोटे जीन्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा तरीका वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम डिफाइन मॉलिक्यूलर सीजर, हाउ दे ऑब्टेन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस। ये चार क्वेश्चन हैं लेकिन इनका आंसर जो है वो सेम है बेटा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस वो वाले इंजाइम हैं जिनको हम बैक्टीरिया से हासिल करते हैं और इन इंजाइम को हम यूज़ करते हैं टू कट द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम डीएनए या फ्रॉम क्रोमोसोम ऑफ द हॉस्ट सेल। हॉस्ट सेल के क्रोमोसोम से जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर कैंची को कहते हैं, मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स को कट करे उसको हम नाम देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियसिस का। सबसे पहले ये इंजाइम जो है बैक्टीरिया से हासिल किए गए और बैक्टीरिया इन इंजाइम को यूज करता है फ्रॉम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस। अब लेकिन यही जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स को अफेक्ट नहीं करते और ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ द वायरसेस, वायरसेस की ग्रोथ को कम कर देते हैं। इन 1970 हैमिल्टन ओ स्मिथ एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी आइसोलेटेड फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी 1970 में हैमिल्टन ओ स्मिथ जो है इसने हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम निकाला था या डिस्कवर किया था। सो फार मोर देन 400 सच इंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड आउट ऑफ विच 20 आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 400 ऐसे इंजाइम जो हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं लेकिन उनमें से ओनली 20 इंजाइम जो हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे कहते हैं? देखिए बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से हासिल करना है? डीएनए से हासिल करना है और हमें पता होना चाहिए कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये स्ट्रैंड है जिसके ऊपर ए जी ए ए टी टी सी जी सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं और दूसरा स्ट्रैंड है जिसके ऊपर टी सी टी टी ए ए और जी सी जी जो है न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। अब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करना है तो कैसे हासिल करेंगे? बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, यानी डीएनए को कट करने के लिए स्पेसिफिक साइट्स प्रेजेंट होती हैं कैरेक्टराइज बाय स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स विच आर अरेंज सिमेट्रिकली इन रिवर्स ऑर्डर, जो कि सिमेट्रिकली अरेंज होती हैं। 4 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, टी टी ए ए, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को हम नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का। यही वो सीक्वेंस है जहाँ पे क्रोमोसोम या डीएनए जो है उसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है। इको आर वन अ कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन इंजाइम कट्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए व्हेन इट हैज दिस सीक्वेंस ऑफ बेसिस एट क्लीवेज साइट, यानी इको आर वन इसको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये ई कोलाई बैक्टीरिया एस्चर्शिया कोलाई से ऑब्टेंड हुआ था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, इस वजह से इसको इको आर वन का नाम दिया गया है। अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की एग्जाम्पल पूछता है तो आप इको आर वन जो है ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट इज वेक्टर, आल्सो मेंशन इट्स रोल इन बायोटेक्नोलॉजी, या ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एलेबोरेट मॉलिक्यूलर कैरियर, गिव एग्जांपल, नेम टू कॉमनली यूज्ड वेक्टर। इन तीनों शॉर्ट क्वेश्चन जो है इनका आंसर सेम है, वेक्टर या मॉलिक्यूलर कैरियर किसे कहते हैं। देखिए, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट तो हासिल कर लिया, अब जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करने के बाद उससे हमने प्रोडक्ट्स भी हासिल करनी है। प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए हमें इसको किसी ना किसी बैक्टीरिया, किसी ना किसी एक्सप्रेशन मीडियम के अंदर डालना चाहिए। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इंसुलिन की। इंसुलिन वाला जीन हमने ले लिया इंसान से, अब इंसुलिन प्रोड्यूस करवानी है, कहाँ पे प्रोड्यूस करवाएंगे, किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस करवाएंगे, वहाँ पे हम वही जीन जो है इंसुलिन वाला बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे। अब कैसे डालते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ व्हीकल, गाड़ी, जिसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर कैरियर का। द मींस, वो जरिया बाय विच रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू अ हॉस्ट सेल, यानी वो वाला जरिया जिसके जरिए हम रिकम्बिनेंट डीएनए को हॉस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर। और इसका रोल क्या है कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जाता है हॉस्ट सेल के अंदर। फिर है जी हमारे पास एग्जांपल्स, टू कॉमनली यूज वेक्टर्स आर प्लाज्मिड एंड लैम्डा फेज, यानी दो वेक्टर्स जो हैं वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, एक को हम नाम देते हैं प्लाज्मिड का और दूसरे को हम नाम देते हैं लैम्डा फेज का।
ये एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूलर कैरियर की। प्लाज्मिड का आप लोगों को पता होना चाहिए, बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड। और लैम्डा फेज जो है ये वायरस है, और ये वायरस जो है डीएनए को क्या करता है, कैरी करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिफरेंशिएट बिटवीन पीएससी 101 एंड पीबीआर 322। ये मॉलिक्यूलर कैरियर हैं, वेक्टर हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। पीएससी 101 ये प्लाज्मिड है और इसके अंदर वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं, जबकि प्लाज्मिड पीबीआर 322 जो है इसके अंदर वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो एम्पीसिलीन और टेट्रासाइक्लिन जो है दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एनुअल एग्जाम में भी आ चुका है कि पीएससी 101 किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन। और ये एमसीक्यू हमने जब मैंने आप लोगों को पास्ट पेपर सॉल्व करवाए थे तो उसमें था पीबीआर 322 जो है ये कौन से एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है, तो वो दो हैं, एक है टेट्रासाइक्लिन और दूसरा है एम्पीसिलीन। इट इनेबल्स द सेपरेशन ऑफ कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया इन अ मीडियम कंटेनिंग एम्पीसिलीन ओनली, यानी ये उस मीडियम के अंदर जिसके अंदर एम्पीसिलीन प्रेजेंट होता है वहाँ पे जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज प्रेजेंट होती हैं उनको सेपरेशन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इनेबल्स द सेपरेशन ऑफ कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया इन अ मीडियम कंटेनिंग एम्पीसिलीन और टेट्रासाइक्लिन, यानी पीबीआर 322 जो है उन बैक्टीरिया को अलहदा कर देता है जो कि एम्पीसिलीन या टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये एमसीक्यू भी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट इज काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए किसे कहते हैं, द डीएनए विच कंटेन डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए, या इसका दूसरा नाम है काइमेरिक डीएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड इज कट विद सेम एंजाइम विच वॉज यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी उस एंजाइम को यूज़ किया जाता है जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए, फिर इन दोनों जीन्स को यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को और प्लाज्मिड को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसको हम नाम देते हैं डीएनए लाइगेज का। और डीएनए लाइगेज चैप्टर नंबर 20 के अंदर भी मैंने आप लोगों को एमसीक्यू बताया था कि दो जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए जो एंजाइम हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डीएनए लाइगेज। काइमेरिक डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए का दूसरा नाम है और कम्प्लीमेंट्री डीएनए का दूसरा नाम है सीडीएनए, छोटा सी फिर डीएनए। नेक्स्ट है हमारे पास, मेंशन द रोल ऑफ लैम्डा फेज इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। लैम्डा फेज वायरस है, इसका रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या रोल है, इसको हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर कैरियर के तौर पर। कहते हैं प्लाज्मिड के अलावा डीएनए जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है वायरस के जरिए, कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ वेक्टर आफ्टर लैम्डा फेज अटैचेस टू होस्ट बैक्टीरियम रिकम्बिनेंट रिलीज फ्रॉम वायरस एंड इंटर्स द बैक्टीरियम, यानी वायरस के साथ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो यहाँ से रिलीज करता है और बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। हेयर इट विल डायरेक्ट द रिप्रोडक्शन ऑफ मैनी वायरसेस, यहाँ पर ये बहुत सारे वायरसेस, अगर आप लोगों को याद हो फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने टी फेजेस पढ़े थे, बैक्टेरियो फेज पढ़े थे, सेम वही प्रोसेस होता है। बैक्टेरियो फेज जो है वो अपना डीएनए जो है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ईच वायरस इन बैक्टेरियो फेज क्लोन कंटेन अ कॉपी ऑफ द जीन बीइंग क्लोन, यानी हर वायरस के अंदर उस जीन की यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी होती है जिसकी क्लोनिंग करनी होती है, जिसकी बहुत सारी कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, डिफाइन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके दो एडवांटेजेस या यूजेस बताएं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेटा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम एक जीन की मिलियंस कॉपीज जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन आर टेस्ट ट्यूब बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए हम जीन ऑफ इंटरेस्ट की मिलियंस कॉपीज जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो भी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। इस मेथड को हम नाम देते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, और सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था कैरे बी म्यूलिस इन 1983 में। एडवांटेजेस इसके क्या हैं जी, इट कैन क्रिएट मिलियंस कॉपीज ऑफ सिंगल जीन और एनी स्पेसिफिक डीएनए पीस इज क्रिएटेड क्विकली इन अ टेस्ट ट्यूब,
वो कहते हैं कि स्पेसिफिक जीन या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए या एक सिंगल जीन जो है उसकी बहुत सारी कॉपीज जो हैं वो जल्दी से प्रोड्यूस की जा सकती हैं इन आ टेस्ट ट्यूब। PCR is very specific targeted DNA sequence can be less than one part in a million of total DNA sample. यानी एक millions copies present हैं DNA की या specific genes की, उसमें से हमने एक ख़ास जीन को उठाना है, carry करना है, तो PCR के ज़रिए हम उस जीन को carry कर सकते हैं। तो ये दो इसके advantages हैं या दो इसके uses हैं। very very important short question है, किसने इसको discover किया था, ये MCQ में आ सकता है, कैरे बी म्यूलिस इन 1983। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज टैग पॉलीमरेज, गिव इट्स वन करैक्टर एंड अ यूज। टैग पॉलीमरेज क्या है, इसका एक करैक्टर बताएं और इसके यूजेस बताएं। टैग पॉलीमरेज इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस व्हिच लिव इन हॉट स्प्रिंग। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, ये हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के चश्मों में रहता है, 120 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर बेयर कर सकता है और इसको यूज़ किया जाता है फॉर द डीएनए पॉलीमरेज। करैक्टर इसका क्या है, इट इज़ टेम्परेचर इनसेंसिटिव एंजाइम विच विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर सकता है, टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। इट इज़ कॉमनली यूज इन PCR इन विच हाई टेम्परेचर इज यूज टू सेपरेट डबल स्टैंडर्ड DNA, यानी डबल स्टैंडर्ड जो दो DNA के स्ट्रैंड्स होते हैं उनको आपस से एक दूसरे से अलहदा करने के लिए जो एंजाइम हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ टैग पॉलीमरेज। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और MCQ भी है कि कौन सा जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, उसका नाम है टैग पॉलीमरेज। कहाँ से हासिल होता है, थर्मस एक्वेटिकस से। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट इज DNA फिंगर प्रिंटिंग, गिव इट्स यूजेस। DNA फिंगर प्रिंटिंग किसे कहते हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए हम एक ऑर्गेनिज्म का सारा जेनेटिक मटीरियल जो है वो एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम नाम देते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग का। इट इज़ अ टेक्निक इन विच इंटायर जीनोम की डेफिनेशन हम पहले आपको बता चुके हैं, द कम्प्लीट जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल एनालाइज्ड, जीनोम इज ट्रीटेड विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन इलेक्ट्रोफोरोसिस डन टू सेपरेट फ्रेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। यानी DNA फिंगर प्रिंटिंग के अंदर क्या किया जाता है, ये मेथड जो है हम यूज़ करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए, या अगर कोई बॉडी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या डिस्प्यूटेड पेटर्निटी जो है उसको मालूम करने के लिए हम DNA फिंगर प्रिंटिंग करते हैं। क्या किया जाता है कि एक इंसान का सारा जो जीनोम है, जो जेनेटिक मटीरियल है, उसको तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर उसको एक मशीन के अंदर रखा जाता है जिसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोफोरोसिस का, और वो इलेक्ट्रोफोरोसिस जो है उसको डिफरेंट पीसीज ऑफ डिफरेंट लेंथ में डिवाइड कर देती है, और ये पीसीज या ये जो लेंथ होती है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स की, हर इंडिविजुअल की क्या होती है, यूनिक होती है, मुनफरिद होती है, डिफरेंट होती है, ईट इंडिविजुअल हैज़ यूनिक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट्स। इसी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये वाला DNA जो है ये किस शख्स का है। यूजेस क्या है जी, PCR एम्पलीफिकेशन एंड DNA एनालिसिस कैन बी यूज फॉर फॉलोइंग पर्पजेज, इनको डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ इन फॉरेंसिक लेबॉरट्री टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, यूज़ इन सॉल्विंग डिस्प्यूटेड पेरेंटेज, यानी क्रिमिनल्स जो मुजरिम होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेंसिक लेबॉरट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग, डिस्प्यूटेड पेरेंटेज यानी पेरेंट्स का अगर पता नहीं चल रहा तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, और तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसान की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तारीख होती है उसको भी मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, DNA फिंगर प्रिंटिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ जीन सिक्वेंसिंग, गिव इम्पॉर्टेंस ऑफ जीन सिक्वेंसिंग। जीन सिक्वेंसिंग देखिए नाम से जाहिर है, जीन जो है उसके क्या करने हैं, सीक्वेंस बनाने हैं, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनाने हैं, इसको हम नाम देते हैं जीन सिक्वेंसिंग का। टेक्निक ऑफ डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एनी प्योरीफाइड फ्रेगमेंट ऑफ DNA, किसी भी जो प्योरीफाइड फ्रेगमेंट्स है DNA का उसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को डिटरमाइन करते हैं हम जीन सिक्वेंसिंग के जरिए। इसके इंपॉर्टेंस क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये वाला भी और DNA फिंगर प्रिंटिंग भी।
क्या है जी इंपॉर्टेंस ऑफ जीन सीक्वेंसिंग की? ओइंग टू ऑटोमेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग जीनोम ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म हैज बीन सीक्वेंस, यानी जीनोम इंटायर जेनेटिक मेकअप जो है वो स्टडी किया जा चुका है विद द हेल्प ऑफ जीन सीक्वेंसिंग। दीज इंक्लूड प्लांट क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी पौधों का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो डीएनए है, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है, या बहुत सारे बैक्टीरिया, यीस्ट, नेमाटोड, ड्रोसोफिला प्लांट है, अरेबिडोप्सिस, माउस और ह्यूमन, यानी चूहा और इंसान जो है, इनका जेनेटिक मेकअप जो है वो स्टडी किया जा चुका है। स्टडी करने का क्या मतलब कि 46 क्रोमोसोम पे कौन सा जीन किस जगह पे प्रेजेंट है और कौन सा जीन जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इस अमल को हम क्या नाम देते हैं? जीन सीक्वेंसिंग का। जीन सीक्वेंसिंग के दो मेथड हैं, दो साइंटिस्ट ने डिफरेंट मेथड दिए थे, एक को नाम देते हैं सेंगर्स मेथड और दूसरे को नाम देते हैं मैक्सम गिलबर्ट मेथड का। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, व्हाई सेंगर इज फेमस फॉर? सेंगर जो है साइंटिस्ट जिसने जीन सीक्वेंसिंग का मेथड दिया था, क्यों फेमस था? ही डेवलप्ड द जीन सीक्वेंसिंग मेथड विच इज़ कॉल्ड एज चेन टर्मिनेशन मेथड। यानी चेन टर्मिनेशन का मेथड क्या है कि किसी भी प्रोसेस को स्टॉप करवाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को यूज़ किया जाता है सेंगर मेथड। राइट डाउन डिफरेंट मेथड्स फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी है, एनुअल एग्जाम में भी, पास्ट पेपर में भी ये एमसीक्यू प्रेजेंट है। सेंगर मेथड जो है, इन दिस मेथड डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट आर यूज टू टर्मिनेट, यानी एक कंपाउंड यूज़ किया जाता है डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट डीएनए सिंथेसिस एट डिफरेंट साइट्स, मुख्तलिफ साइट्स पर डीएनए को सिंथेसाइज करने की। और मैक्सम गिलबर्ट मेथड जो है इसको यूज़ किया जाता है टू कट द जीनोम इनटू डिफरेंट पीसीज ऑफ डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज के डिफरेंट पीसीज के अंदर डीएनए को कन्वर्ट करने के लिए, और ये केमिकल्स के जरिए किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं मैक्सम गिलबर्ट मेथड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो है वो डिफरेंट हैं, क्योंकि जहाँ से ये मटेरियल मैंने लिया है वो पूरे नोट्स मेरे पास मौजूद हैं और मैं आप लोगों को शेयर भी करूँगा इंशाल्लाह। आप लोगों के ये 17, 18, फिर 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 आ गया, ये इस वजह से ऐसे है कि स्मार्ट सिलेबस की वजह से वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्रॉस हैं। हम सिर्फ उन शॉर्ट क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉपिक, व्हाट आर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप डेफिनेशन ये पढ़ चुके हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया गया हो, यानी वो जानदार जिनका अपना डीएनए होने के साथ साथ किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी उसके अंदर मौजूद हो, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स का। ऑर्गेनिज्म दैट हैव फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स। तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की टाइप्स हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया किसे कहेंगे? वो वाले बैक्टीरिया जिनके अंदर फॉरेन डीएनए प्रेजेंट हो। ट्रांसजेनिक प्लांट्स किसे कहेंगे? वो वाले प्लांट्स जिनके अंदर फॉरेन कहते हैं बैरूनी, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का अगर जीन या डीएनए हम उनके अंदर इंसर्ट कर देते हैं तब हम उनको क्या नाम देते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स का। व्हाट आर बायो रिएक्टर्स किसे कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है इज़ यूज टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया दैट रिप्रोड्यूस इन लार्ज वेट्स कॉल्ड बायो रिएक्टर्स। यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं सेल के अंदर, एक बहुत बड़े रिएक्टर्स के अंदर, एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर हम उनको क्या करवाते हैं? रिप्रोड्यूस करवाते हैं। और बैक्टीरिया आप लोगों को पता होना चाहिए कि रैपिडली ये ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे उनकी रिप्रोडक्शन करवाई जाती है और उन बॉक्स को हम क्या नाम देते हैं? बायो रिएक्टर्स का। इफ फॉरेन जीन इज़ रेप्लिकेटेड एंड एक्टिवली एक्सप्रेस्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन्ड, बहुत ज़्यादा प्रोटीन ऑब्टेन्ड होती है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया सच एज इंसुलिन, ये एमसीक्यू आ सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर,
इसके अलावा हीमोफीलिया फैक्टर 8 ये एमसीक्यू पास्ट पेपर में आया हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हीमोफीलिया कौन सा फैक्टर प्रोड्यूस किया गया है और हेपेटाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीन जो प्रोड्यूस की गई है ये भी इन्हीं बायो रिएक्टर्स को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस की गई है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सुसाइड जीन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर सुसाइड नाम से जाहिर है किल करने वाले, मरने वाले, मर जाने वाले। इंडस्ट्री हैज़ बीन फाउंड दैट बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड एज बायोफिल्टर एज वेल एज टू क्लीन अप टॉक्सिन वेस्ट डंप। बायोफिल्टर्स बीन हमारी जो एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो पॉल्यूशन होती है या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए हम बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। इस वजह से इनको इनके अंदर क्यों, क्योंकि इनके अंदर सुसाइड जीन प्रेजेंट होते हैं। वन सच स्ट्रेन ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया वाज गिवन जीन दैट अलाउड टू क्लीन अप लेवल ऑफ टॉक्सिन दैट वुड हैव किल्ड अदर स्ट्रेन्स। जिसकी स्ट्रेन्स मीन ऑर्गेनिज्म या टाइप्स। फर्दर दीज बैक्टीरिया वर गिवन सुसाइड जीन दैट कॉज देम टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट व्हेन द जॉब हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड। यानी जब बैक्टीरिया से काम ले लिया जाता है तो उनके अंदर सुसाइड जीन डाल दिए जाते हैं और उन सुसाइड जीन की वजह से बैक्टीरिया जो हैं वो खुद ब खुद ही क्या कर जाते हैं, किल हो जाते हैं आफ्टर प्रॉपर वर्किंग। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, डिफाइन क्लोनिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल या ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल मेथड इज कॉल्ड क्लोनिंग। यानी ऐसा मेथड जिसके जरिए हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इस्तेमाल करते हुए ऐसे सेल या ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोनिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट इज़ न्यूट्रास्वीट या व्हाट इज़ एस्पार्टेम। ये एमसीक्यू एनुअल एग्जाम में या पास्ट पेपर में पहले आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। एस्पार्टेम इज डाइपेप्टाइड स्वीटनर विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रीकर्सर फिनाइल एलानिन। यानी स्वीटनर मिठास के लिए जो हम केमिकल कंपाउंड्स यूज़ करते हैं दैट इज़ एस्पार्टेम, और इसको प्रोड्यूस किया गया है फिनाइल एलानिन जो कि एक अमाइनो एसिड है। इसके अलावा सम बायोकेमिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया दैट इज़ रैपिडली गुड एट प्रोड्यूसिंग फिनाइल एलानिन, और इसी एस्पार्टेम जो है इसको नट्रा स्वीट का नाम भी दिया जाता है। एमसीक्यू क्या आता है जी, डाइपेप्टाइड स्वीटनर जो है उसका क्या नाम है, एस्पार्टेम, या एस्पार्टेम जो है उसका दूसरा नाम क्या है, न्यूट्रा स्वीट, या कौन सा ऐसा स्वीटनर है जिसको फिनाइल एलानिन से प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ न्यूट्रा स्वीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एंड इट्स ओरिजिन। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ये भी एमसीक्यू एनुअल एग्जाम में पास्ट पेपर में आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अ वीड जड़ी बूटी कॉल्ड माउस एयर्ड क्रेस हैज़ बीन इंजीनियर टू प्रोड्यूस अ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पोलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट इन सेल ग्रेन्यूल्स। यानी एक ऐसे प्लास्टिक को डिग्रेडेबल यानी उसको तोड़ा जाता है और वो कैसे प्रोड्यूस की गई है, विद द हेल्प ऑफ अ वीड, और उसको माउस एयर्ड क्रेस का नाम देते हैं और इसका दूसरा नाम है पोलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, दैट इज़ द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, व्हाट इज जीन फार्मिंग गिव इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या यूजेस। जीन फार्मिंग, जी देखिए नाम से जाहिर है जीन्स हैं वो हम रखते हैं, उनकी कॉपीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं और उन कॉपीज़ से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी मेडिसन्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटीन्स या वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं। तो डेफिनेशन है जी, द जीन फार्मिंग द यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल इज़ बीइंग परसुएड बाय द नंबर ऑफ फिर्म। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि जीन फार्मिंग के ज़रिए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं और उससे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स मेडिसन से रिलेटेड है, बहुत सारी दवाइयाँ प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम नाम देते हैं जीन फार्मिंग का। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एप्लीकेशन या यूजेस क्या हैं जीन फार्मिंग के, जीन्स दैट कोड थेरेप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एनिमल्स डीएनए एंड प्रोटीन्स अपेयर इन द एनिमल्स मिल्क।
यानी वो वाले जीन्स जिनके ज़रिए हम किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं, एनिमल्स के डीएनए के अंदर डाले जाते हैं, इनकॉर्पोरेटेड मीन इंसर्ट किए जाते हैं, डाले जाते हैं, और वही प्रोटीन्स हैं वो फिर अपेयर होती हैं एनिमल्स की मिल्क के अंदर, जिससे हम इसको फिर सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा है जी, देयर आर प्लान टू प्रोड्यूस ड्रग्स फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ है, आगे हम पढ़ेंगे अभी, कैंसर, ब्लड डिजीज़ एंड अदर डिसऑर्डर्स, यानी मुख्तलिफ बीमारियों के अगेंस्ट है वो जीन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंटी थ्रोम्बिन 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, फॉर प्रिवेंटिंग ब्लड इज़ बींग ड्यूरिंग सर्जरी करंटली बींग प्रोड्यूस बाई अ हर्ड ऑफ गॉड्स, ये MCQ एनुअल एग्जाम में आ चुका है कि इसको एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गॉट, हर्ड कहते हैं क्राउन को, बहुत सारे झुमघटे को, यानी अज्जड़ को आप कह सकते हैं, बहुत सारी ग्रुप्स ऑफ गॉड्स कह सकते हैं। एंड क्लिनिकल ट्रायल्स हैव बिगन, यानी लेबॉरटरीज के अंदर इसकी कोशिश हैं वो शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हाउ द जेनेटिक इंजीनियरिंग डज प्रोड्यूस द साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम ऐसे पौधे भी प्रोड्यूस कर चुके हैं जो कि उस सॉयल के अंदर ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे साल्ट्स की कंसंट्रेशन, सेलिनिटी जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा। अक्सर सेम थोर वाली ज़मीनें जो कि दरियाओं के किनारों पे या नहरों के किनारों पे होती हैं, उन ज़मीनों के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम वहाँ पे ऐसे पौधे ग्रो करते हैं जो कि साल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं। द साइंटिस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाइड जीन फॉर चैनल प्रोटीन के लिए जीन आइडेंटिफाई किया है, देन साइंटिस्ट क्लोन दिस जीन एंड इंट्रोड्यूस इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स, यानी पहले जीन प्रोड्यूस किया जो कि साल्ट को टॉलरेट कर सकता हो, फिर उसको प्लांट्स के अंदर डाला, दीज प्लांट्स ओवर प्रोड्यूस चैनल प्रोटीन्स, फिर इन प्लांट्स ने बहुत सारी चैनल प्रोटीन्स प्रोड्यूस की, द मॉडिफाइड प्लांट्स ग्रो इन वाटर विद साल्टी सोल्यूशन, यानी उस वाटर के अंदर ग्रो करवाया जाता है जहाँ पर साल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अहम है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन जीन थेरापी या व्हाट आर मेथड्स ऑफ जीन थेरापी इन ह्यूमंस। फर्स्ट ईयर के अंदर हम ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, जीन थेरापी एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम फॉल्टी जीन या एबनॉर्मल जीन्स को रिमूव करते हैं और उनकी जगह हम हेल्दी जीन जो है वो इंसर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बोन मैरो सेल्स, हड्डी के गूदे के ज़रिए हम ख़राब जीन्स जो हैं, जो एबनॉर्मल जीन्स होते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग जीन्स होते हैं, उनको रिमूव करके उनकी जगह हेल्दी जीन्स इंसर्ट कर देते हैं। इसको हम नाम देते हैं जीन थेरापी का। द इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटीरियल इनटू ह्यूमन सेल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स, इसको हम नाम देते हैं जीन थेरापी का। इट इंक्लूड्स प्रोसीजर दैट गिव अ पेशेंट अ हेल्दी जीन टू मेक फॉर फॉल्टी जीन्स, यानी फॉल्टी जीन की जगह हेल्दी जीन्स दिए जाते हैं। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द यूज जीन टू ट्रीट वेरियस अदर इलनेस सच एज कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, यानी कैंसर, सरतान और दिल की बीमारियों से, दिल की जो बीमारियां हैं उनको डायग्नोस करने के लिए या उनको ट्रीट करने के लिए हम जीन थेरापी जो है वो यूज़ करते हैं। दो मेथड्स हैं जीन थेरापी के, एक को हम नाम देते हैं एक्स वीवो जीन थेरापी और दूसरे को हम नाम देते हैं इन वीवो जीन थेरापी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ आ सकता है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अहम है, डिफरेंस बिटवीन एक्स वीवो एंड इन वीवो या इन विट्रो जीन थेरापी। एक्स वीवो जीन थेरापी जो है इसके अंदर क्या किया जाता है, सेल्स ऑर्गेनिज्म के जो हैं वो बाहर निकाले जाते हैं, उनके अंदर जो फॉल्टी जीन्स होते हैं उन जीन्स की जगह नॉर्मल जीन्स रख दिए जाते हैं। जबकि इन वीवो जीन थेरापी के अंदर क्या किया जाता है, द जीन थेरापी इन विच जीन्स आर इंसर्टेड इन टू द सेल्स विद इन द बॉडी, यानी ऐसा तरीका जिसमें देखें एक पेंक्रियाज का सेल है जिसको हम नाम देते हैं बीटा सेल्स का, अगर बीटा सेल्स को हम बाहर निकाल लें और उसके अंदर जीन्स जो ख़राब हैं वो निकाल के उनकी जगह सही वाले जीन रख दें तब ये क्या कहलाएगा, एक्स वीवो जीन थेरापी। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है कि बीटा सेल्स हमारी बॉडी के अंदर रहें
और बॉडी के अंदर ही उसके अंदर जो हेल्दी जीन है वो इंसर्ट कर दें, तब हम इस तरीके को क्या नाम देते हैं, इन वीवो जीन थेरापी का। एक्स वीवो जीन थेरापी कौन सी डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ की गई है, SCID, सीवर कंबाइंड अम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के अगेंस्ट एक्स वीवो जीन थेरापी यूज़ की जाती है, जबकि हीमोफीलिया, डायबिटीज़, शुगर जिसको ज़्यादतीज़ कहते हैं, पार्किंसन डिजीज़ चैप्टर 17 में हमने पढ़ी, कैन बी ट्रीटेड बाय दिस मेथड, यानी इनको ट्रीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इन वीवो जीन थेरापी। ये MCQ आ सकता है और इम्पॉर्टेंट, बल्कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, व्हाट आर SCID एंड ADA। SCID अभी मैंने आपको बताया एक डिजीज़ है, दैट इज़ सीवर कम्बाइंड अम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। इन दिस सिंड्रोम चिल्ड्रन लैक्स इंजाइम एडीनोसिन डी लेमिनेट, यानी एक इंजाइम है जिसका नाम है एडीनोसिन डी लेमिनेट। ये इंजाइम जो है ये हमारे टी सेल्स और बी सेल्स जो है उनको क्या करता है, मैच्योर करता है, एंड देयरफॉर दे सब्जेक्टेड टू लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। अगर ये इंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है, यानी टी सेल, आप लोगों को पता होना चाहिए टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, यही वो सेल्स हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं और हमारी बॉडी को जर्म्स के अगेंस्ट बचाते हैं। तो इस वजह से अगर ये इंजाइम एडीनोसिन डी लेमिनेट प्रोड्यूस नहीं होता तो इसकी वजह से हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते। जब वो मैच्योर नहीं हो पाते तो इसकी वजह से जो बीमारी होती है, दैट इज़ सीवर कम्बाइंड अम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम। उसके बाद है जी, गिव कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक इंजाइम प्रेजेंट नहीं होता जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड आयन इज नाउन एज सिस्टिक फाइब्रोसिस, यानी क्लोराइड आयन जो है उसको मेम्ब्रेन से पास आउट होने के लिए एक इंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो इंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता तो क्लोराइड आयन जो हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, जब क्रॉस नहीं कर पाते तो इसकी वजह से डिजीज़ होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस का नाम देते हैं। और ये भी MCQ एनुअल एग्जाम में आ चुका है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन से आयन की कमी की वजह से होती है, तो किसकी वजह से जी, क्लोराइड आयन। ट्रीटमेंट क्या है जी, इन वीवो, यानी इसके अंदर क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जीन थेरापी की जाती है। कैसे की जाती है, लाइपोसोम्स माइक्रोस्कोपिक वेसिकल दैट आर स्पॉन्टेनियसली फॉर्म व्हेन लिपोप्रोटीन्स आर पुट इनटू सॉल्यूशन आर यूज फॉर इट्स ट्रीटमेंट। लिपोप्रोटीन्स लिपिड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ सॉल्यूशन बॉडी के अंदर डाला जाता है जिसकी वजह से लाइपोसोम माइक्रोस्कोपिक वेसिकल प्रोड्यूस होती हैं। दीज वेसिकल आर कंटेन्ड विद जीन नीडेड टू क्योर सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन वेसिकल्स के अंदर वो जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस को क्या करते हैं, क्योर करते हैं। बेटा जी, ये तीनों शॉर्ट, बल्कि चारों शॉर्ट क्वेश्चन, जीन थेरापी, टाइप्स ऑफ जीन थेरापी, सीवर अम्यून कम्बाइंड अम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और सिस्टिक फाइब्रोसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और MCQs भी। नेक्स्ट है जी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जीन थेरापी फॉर कैंसर। कैंसर के लिए जीन थेरापी का प्रोसेस जो है वो डिस्क्राइब करें। फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज फॉर इन वीवो जीन थेरापी ऑफ कैंसर। जीन्स आर गिवन टू कैंसर पेशेंट। द जीन्स मेक द हेल्दी सेल्स मोर टॉलरेंट फॉर कीमोथेरापी। कीमोथेरापी आप लोगों को पता होना चाहिए केमिकल्स के जरिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है, आर इट मेक्स ट्यूमर मोर वल्नरेबल टू कीमोथेरापी, यानी ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ये वल्नरेबल हो जाते हैं, यानी किल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कीमोथेरापी। नाउ द बोन मैरो सेल्स आर प्रोटेक्टेड, थस इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज लेवल ऑफ कीमोथेरापी टू किल कैंसरस सेल्स। यानी सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए कि कैंसरस सेल्स जो हैं उनको कीमोथेरापी के जरिए, केमिकल्स के जरिए, मेडिसन्स के जरिए किल किया जाता है, फिर बोन मैरो सेल्स के जरिए जो हेल्दी जीन है वो इंसर्ट किए जाते हैं और वो नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अहम है जी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जीन थेरापी फॉर क्रोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। क्रोनरी आर्टरी, दैट इज द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे हार्ट, दिल के जो मसल्स हैं उनको प्रोवाइड करता है ये ब्लड। जीन थेरापी इन क्रोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी, ड्यूरिंग क्रोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी अ बैलून कैथेटर इज समटाइम यूज्ड टू ओपन अप अ क्लोज्ड आर्टरी
एंड एक क्लोज आर्टरी के अगेंस्ट जो है ये बैलून कैथीटर जो है वो यूज़ किया जाता है। कैथीटर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये नाली होती है और उस नाली के आगे सिरिंज प्रेजेंट होती है, उस सिरिंज के ज़रिए जो है वो ये जीन या ये एंजियोप्लास्टी की जाती है। अनफॉर्चुनेटली द आर्टरी हैज़ टेंडेंसी टू क्लोज अप वंस अगेन, दोबारा बंद हो जाती है। बट इन्वेस्टिगेटर्स हैव कम अप विद अ न्यू प्रोसीजर, द बैलून इज कोटेड विद अ प्लाज्मिड दैट कंटेन अ जीन फॉर वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, द एक्सप्रेशन ऑफ जीन विच प्रोमोट्स द प्रोलिफरेशन, कहते हैं डिवीजन ऑफ ब्लड वेसल टू बाईपास द ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया हैज़ बिन ऑब्जर्व इन सम पेशेंट्स। यानी ये किस लिए की जाती है जीन थेरापी? अगर कोई दिल की जो वेसल्स है, जो आर्टरी है, वो बंद हो गई है, तो उसको ओपन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लास्ट है जी हमारे पास, हाउ डज यूरिन इज प्रेफर्ड व्हीकल फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देन मिल्क। क्वेश्चन है कि मिल्क की निस्बत, दूध की निस्बत हम यूरिन, पेशाब जो है इसको क्यों एज ए व्हीकल यूज़ करते हैं टू ट्रांसफ़र बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इसकी बेटा 3 रीजंस हैं। पहली रीज़न क्या है कि यूरिन जो हैं वो तमाम ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि मिल्क सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस करती है, इस वजह से यूरिन को प्रेफर किया जाता है। दूसरा, यूरिन जो है वो बर्थ से लेकर अनटिल डेथ प्रोड्यूस होता रहता है, जबकि मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है अपॉन मैच्योरिटी। ये दूसरी रीज़न हो गई, इस वजह से यूरिन को प्रेफर किया जाता है। और तीसरी रीज़न, यूरिन और मिल्क को देखा जाए तो यूरिन लेस विस्कस है, तो यूरिन से प्रोटीन को निकालना ईजी है देन मिल्क, इस वजह से यूरिन जो है इसको प्रेफर किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ मैनुअली एडिंग आर रिमूविंग ऑफ DNA टू जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी सेम वही प्रोसेस है जीन थेरापी का, कि फॉल्टी जीन्स जो हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं और उनकी जगह हेल्दी जीन रखे जाते हैं। द ऑब्जेक्टिव, या उन जीन्स को रखा जाता है जो कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होते हैं। द ऑब्जेक्टिव मकासिद इज़ टू ऐड वन आर मोर न्यूट्रिएंट्स दैट आर नॉट ऑलरेडी फाउंड इन दैट ऑर्गेनिज्म। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए देखें, हमने ब्रायलर जो पैदा की है इसके अंदर वो जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि यील्ड भी ज़्यादा देते हैं और कम टाइम के अंदर देते हैं। जीन फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड अदर डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक्स आर इंट्रोड्यूस इनटू ऑर्गेनिज्म बाय दिस टेक्निक। यानी वो वाले जीन्स जो बीमारियों के अगेंस्ट लड़ते हैं और वो वाले जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होते हैं वो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर क्या किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं। इस मेथड को हम नाम देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, नेम इंजाइम कंटेन फायरफ्लाई, गिव इट्स रोल। यानी उस इंजाइम का नाम बताएं जो कि फायरफ्लाई के अंदर कंटेन करता है और इसका रोल बताएं। फायरफ्लाई हैज़ अ जीन विच कोड इंजाइम ल्यूसीफेरेज। फायरफ्लाई एक फ्लाई है, मक्खी है, जिसके अंदर एक इंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं ल्यूसीफेरेज का, और ये MCQ पास्ट पेपर में भी आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है। दिस जीन वाज इंसर्टेड इनटू टोबैको प्रोटोप्लास्ट एंड द एडल्ट प्लांट्स ग्लो मीन रोशन हो जाते हैं या ज़्यादा ग्रो करते हैं, व्हेन स्प्रेड विद सबस्ट्रेट ल्यूसीफेरिन, जब इनको ल्यूसीफेरिन जो है इसका स्प्रे किया जाए तो वो चमकने लगते हैं, रोशन हो जाते हैं। तो ये है जी नेम इंजाइम कंटेन फायरफ्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू नाउ अबाउट पार्टिकल गन मेथड। दो साइंटिस्ट हैं, जॉन सी सैनफोर्ड एंड थियोडर एम क्लीन, डेवलप अ मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग DNA इनटू अ प्लांट टिश्यू कल्चर कैलस। यानी एक पौधे के अंदर DNA इंसर्ट करने के लिए जो तरीका यूज़ किया जाता है, दे कंस्ट्रक्टेड अ डिवाइस, उन्होंने एक डिवाइस, एक आला बनाया जिसको पार्टिकल गन का नाम दिया, दैट बम्बार्ड्स अ कैलस विद DNA कोटेड माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल्स। यानी कैलस आप लोगों को पता होना चाहिए, दीज आर द ग्रुप ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। इन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स के अंदर DNA डाला जाता है और उस DNA के बाहर कोटिंग प्रेजेंट होती है
माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल्स की, देन जेनेटिकली अल्टर्ड सोमेटिक एम्ब्रियोस डिवेलप इनटू अ जेनेटिकली एडल्ट प्लांट्स। फिर यही जो कैलस होता है जिसको सोमेटिक एम्ब्रियोस का नाम भी हम दे रहे हैं, ये डिवेलप करता है और जेनेटिकली एडल्ट प्लांट जो है उसको क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। इसको हम नाम देते हैं पार्टिकल गन मेथड का। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी आ सकता है। ये प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये थे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 23 के, बहुत ही अहम चैप्टर आप इसके कह सकते हैं क्योंकि इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अगर कोई स्टूडेंट इन शॉर्ट क्वेश्चन को करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन हमने इस चैप्टर को अपने एक्स्ट्रा के लिए रखा हुआ है क्योंकि जिस पोर्शन में ये चैप्टर मौजूद है उस पोर्शन में से 12 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये अगर कोई करेगा तो ये मज़ीद उसके 12 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे के पूरे हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 23 जो है ये कंप्लीट हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के लिए करना था, जहाँ जहाँ पे एमसीक्यू बनते मैंने आप लोगों को सारे बता दिए और शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को सारे करवा दिए, समझा भी दिए और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आई होगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि हमारा सिलेबस जो है वो अब कम्प्लीट हो गया और नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों का जो फुल बुक टेस्ट है उसमें इंशाल्लाह आप इस चैप्टर को हम शामिल भी करेंगे, इसमें से एमसीक्यू भी देंगे और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी रहेगी एक्सरसाइज जो है वो मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोगों को सॉल्व करवा दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों से मुलाकात के लिए या तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अगली मुलाकात होती है और दुआगो रहे मेरे लिए अपने लिए भी और मेहनत करें ताकि आप अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।